Hi future programmers. So today we are going to learn about the addition concept in array. Okay, so the question is to have multiple elements, multiple numbers saved in array, and then the task is to print the final sum of all the elements which are the part of the array. Okay, so let's start with this problem. So I hope question is very clear to all of you. हमें ये करना है, हमें एक एरे में कुछ नंबर्स को स्टोर करना है और हमें फिर उन सारे नंबर्स को जो हमने एरे में स्टोर किए हैं उन्हें हमें उनका सम हमें प्रिंट करना है. ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द हेडर फाइल एज यूजुअल, दैट इज हैश इंक्लूड एसटी डीआईओ डॉट एच. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट हेडर फाइल एंड अनदर हेडर फाइल दैट वी नीड टू राइट इज the kunio.h. So these are the two header files that we need at this time. Now void main curly bracket, void is the return type of the function main, and main is the primary function that we use in every C programming's concept. Okay, so now let's take some variables. First is integer. I'm taking the array x, y, z. This is the array name for this problem, and the maximum number of elements that I'm taking here is 5. Okay, I told you that whenever we deal with the array concept we need to have one loop. Okay, every time because we want to execute all the elements of the array, that is why we need a loop. क्योंकि हमें वन बाय वन सारे ही एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है, इसलिए हमें एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ पर मैंने एक लूप वेरिएबल ले लिया है i. ठीक है, अब क्योंकि हम इस क्वेश्चन में सम प्रिंट करना चाहते हैं सारे ही एरे एलिमेंट्स का, दैट इज़ वाई हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जहाँ पर हम अपना एडिशन वैल्यू स्टोर कर सकें. ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इसमें क्या वेरिएबल ले लेते हैं, सम ले लेते हैं. आप कोई भी एडिशन, एड, समेशन, टोटल, कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हो. सम इक्वल्स टू जीरो हमने इनिशलाइज कर दिया है. क्यों इनिशलाइज किया है यहाँ पर जीरो वैल्यू, क्योंकि हमें हर एक स्टेप पर एक वैल्यू प्रीवियस सम वैल्यू में ऐड करनी होगी. जैसे जैसे एरे के एलिमेंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे वो पिछले वाले एलिमेंट्स में ऐड होते जाएंगे. दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से सम को जीरो से इनिशलाइज किया हुआ है. ओके, नाउ अब हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यूज़र से ये एंटर कराना होगा कि हमारे कितने एलिमेंट्स हैं एरे में. ठीक है, सो प्रिंट एफ डबल कोट्स एंटर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और हम एंटर कराने के लिए स्कैनएफ यूज करते हैं. आप देखिए यहां पर मैंने कोई वेरिएबल ऊपर नहीं लिया हुआ था नंबर के लिए, तो यहां पर एक वेरिएबल मैं ले लेता हूं n. ठीक है, जिसके थ्रू हम ये स्टोर करा पाएंगे कि हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें यूज होने वाले हैं. ठीक है, परसेंट डी कॉमा एंड ऑफ n. ओके, इसके थ्रू ये एंटर हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. अब हमें क्या करना है, हमें एक फॉर लूप यूज करना होगा, लूप के लिए फॉर यूज करना होगा एरे एलिमेंट्स के लिए. सो फॉर i इक्वल्स टू जीरो i लेस देन n. क्यों लेस देन n किया है, क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किया. अगर वन से स्टार्ट करते लेस देन इक्वल्स टू n करते. ओके, i प्लस प्लस, ये फॉर यहां पर बंद करा हमने. डोंट यूज सेमीकोलन एट द एंड ऑफ फॉर. अगर आप कभी भी सेमीकोलन लगाएंगे फॉर के लाइन में तो उससे क्या होगा, वो एक बॉडीलेस लूप बन जाएगा जो एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके, सो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हम क्योंकि एलिमेंट्स को इंसर्ट करा रहे हैं तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, स्कैन एफ. मैंने एक टैब दिया है ताकि ये इंडेंट हो जाए. इंडेंटेशन इज रिक्वायर्ड वेन एवर यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग, इट्स नॉट नेसेसरी बट इट शोज हैबिट ऑफ गुड प्रोग्रामर. तो स्कैन एफ परसेंट डी
and of x, y, z, I. Okay. So this is a line to insert all the elements. Let me save it first. Array sum dot c. Yeah. So now we have entered all the elements of array. Now what is the task? Task is to print the sum of all the elements stored in array. So again, what we'll do? We'll use a for loop. क्यों हमें इस for loop की ज़रूरत है दोबारा से? क्योंकि हमें एक-एक करके सारे elements को चेक करना है कि वो वैल्यू क्या है और उसको जोड़ना है आपस में, एडिशन करना है. ओके, सो फॉर आई इक्वल्स टू जीरो कोलन आई लेस देन एन कोलन सेमी कोलन सॉरी आई प्लस प्लस. ओके, क्या करना होगा हमें फिर से? इंडेंटेशन सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स वाई जेड ऑफ आई. सो इससे क्या होगा कि हमारा एक्स वाई जेड आई, आई मीन्स जो भी हमारी वैल्यू होगी उस लोकेशन पर एरे में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो पिछले वाले सम में ऐड होती रहेगी. ठीक है, और जब हम इस लूप से बाहर आएंगे, जब भी हमारे लूप का कंडीशन फॉल्स होगा, उस केस में क्या होगा कि हमारा फाइनल सम बन चुका होगा. एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है फॉर लूप में कि जब भी हम फॉर लूप को लिखते हैं या आप ड्राई रन कराओगे तो हमेशा जो i इक्वल्स टू जीरो i लेस देन n है ये कंडीशंस पहले एग्जीक्यूट होंगी वन एंड टू नंबर पे. थर्ड नंबर पर जो भी आपने लूप के अंदर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर हमने सम के लिए फॉर्मुलेशन लगाया है, वो हो गया थर्ड पार्ट. फोर्थ नंबर पर आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, दैट इज i प्लस प्लस. फॉर लूप कभी भी एक साथ एक लाइन में एग्जीक्यूट नहीं होता है, नेवर एग्जीक्यूट्स इन अ सिंगल सिक्वेंशियल मैनर. ओके, ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई ड्राई रन कर रहे हैं. ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम लूप के बाहर हैं, अब हमें फाइनली क्या करना है, हमें प्रिंट करना है फाइनल सम को. सो प्रिंट एफ द सम ऑफ द एरे elements is, it's totally up to you whether you want to write a statement or not, percent d, because sum हमने कैसा लिया है, integer variable, integer data type के साथ लिया है, इसीलिए हमें percent d लिखना है, comma sum and semicolon. ठीक है, ये हो गया हमारा printf statement. एक काम कर सकते हैं हम, ताकि हमें आउटपुट समझने में आसानी रहे, यहाँ पर हम एक स्लैश n लिख लेते हैं जो हमारा एस्केप सीक्वेंस है और वो क्या कहलाता है, न्यू लाइन कैरेक्टर कहलाता है. ऐसे अगर हम स्लैश t यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल टैब, स्लैश v इज कॉल्ड वर्टिकल टैब. सो यहाँ पर हम गेट सी एच लिखते हैं, गेट सी एच इज पार्ट ऑफ पोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट. ओके, सेव कर लेते हैं इसको और अब इसको हम एक बार कंपाइल करते हैं. ओके, नो एरर इज देयर, नाउ इट्स टाइम टू रन द प्रोग्राम. एंटर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हमने सपोज दिए हैं अपने थ्री एलिमेंट्स आउट ऑफ फाइव, हमें तीन एलिमेंट ही स्टोर करने हैं, तो अब हम स्टोर कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स टू वन टू. सी द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इज फाइव. डोंट गेट कन्फ्यूज विद द आउटपुट. यहाँ पर जो हमारा वैल्यू 3 है वो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स क्या क्या है, तीन एलिमेंट 2, 1 and 2, और उन तीनों का सम हुआ है एरे के थ्रू और हमें क्या फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, 5. 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5. ओके, आई होप दिस प्रोग्राम इज़ वेरी क्लियर. आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करने हैं तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से समझ लीजिए कि एरे के प्रोग्राम में हमें क्या करना है. हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि एरे को जब भी हम यूज़ कर रहे हैं हमें फॉर लूप या कोई भी लूप जो आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, वो लूप यूज़ करना है फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि हम एक लोकेशन से वेरियस लोकेशंस पर मूव कर रहे हैं. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एरे एक कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन या कॉन्टिजियस वे ऑफ एग्जीक्यूशन को फॉलो करता है. मेमोरी जो है वो एक ब्लॉक के अकॉर्डिंग असाइन होती है, जैसे यहाँ पर इंटीजर एक्स वाई जेड 5 है, दैट मीन्स
कि जो एक्स वाई जेड एरे है उसका टोटल साइज क्या है, अगर इंटीजर 2 बाइट्स का है तो टोटल साइज क्या होगा एरे का, वो होगा 10, क्योंकि हमने 5 एलिमेंट्स लिए हैं, तो 2 बाइट्स फॉर ईच एलिमेंट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस वॉज द प्रोग्राम टू प्रिंट एरे एलिमेंट्स सम। और इसको बंद करने के लिए टू एग्जिट फ्रॉम द टर्बो सी वी राइट एग्जिट कमांड एंड दिस इज क्लोज। थैंक यू।